हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक इस ब्रांड न्यू वीडियो में मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैम्पियन की। आज हम तीन चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ मास्टरी सेटअप में चेंज करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ लेवल अप इवेंट आया है, देखते हैं हम लेवल अप किसको करेंगे। और तीसरी चीज़ शायद से अगर छोटी रही वीडियो तो हम करेंगे साइड क्वेस्ट को पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। एक ही पाथ रह गया है। सबसे पहले हम मास्टरी सेटअप चेंज कर लेते हैं जो मुझे करना है। मुझे ऑफेंस चेंज करना है अपना। डिफेंस मेरा जैसा है वैसा ही मैं रखने वाला हूँ। प्रोफियंसिस जैसे हैं मेरे वैसे ही रखने वाला हूँ। जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट मार लो प्रोफियंसिस का, डिफेंस का स्क्रीनशॉट मार लो। ये सब अब मैं सेम रखने वाला हूँ। ऑफेंस को मैं चेंज करने वाला हूँ। सिर्फ मैंने ऑफेंस में अब मेरा आर्किंजल भी आ चुका है, निक फ्यूरी भी आ चुका है, तो मैं डीप वाउंड्स को अनलॉक करने वाला हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो रिकवर कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक रिकवरी फ्री पॉइंट भी है तो मैं कर रहा हूँ रिकवर। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ स्ट्रेंथ में डालना है, एक पॉइंट जो कि मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट डाल दो ग्रेटर स्ट्रेंथ में। एंड हमको यहाँ पे डालना है पेयर्स में एक पॉइंट डाल दो, जो कि हो गया। एंड तीन पॉइंट मैं इसमें डालने वाला हूँ करेज में। तो यहाँ पे इसको मैं मैक्स करने वाला हूँ करेज को। यहाँ पे एक और पॉइंट डाल दिया मैंने। एंड एक और पॉइंट मैं करेज में डालने वाला हूँ। तो इसको मैंने मैक्स कर दिया है करेज को, जिससे कि क्या होगा, जब भी आपका चैंपियन 50% हेल्थ डाउन होगी उसकी 20% ज़्यादा अटैक उसका बढ़ जाएगा। ओके, तो अब हमें लेसर क्रुएलिटी में एक पॉइंट, लेसर प्रिसिशन में एक पॉइंट डालना है एंड लेसर क्रुएलिटी में एक पॉइंट डालना है, जो कि मैंने डाल दिया है यहाँ पे। एंड इसको मैं प्रिसिशन जो है इसको मैं मैक्स करने वाला हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, इसको मैक्स करते हैं। मेरे को आज मास्टरी कोर्स भी ख़रीदने हैं बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट तीन तो ख़रीदने ही है मुझे। तो जल्दी से इसे मैक्स करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। बहुत मुश्किलों से भाई 1500 यूनिट बनाए थे, बट अब सारे के सारे खर्च होने वाले हैं। क्रुएलिटी को भी हम मैक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो जल्दी से क्रुएलिटी को भी मैक्स आउट कर लेते हैं हम। क्रुएलिटी में तीन पॉइंट डाल दिए मैंने, चौथा पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। एंड मैक्स होने के बाद में हमारा क्रिटिकल जो डैमेज होगा वो सारे चैंपियंस का 475 बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिए। अब आती है बात ग्लास कैनन की। एक पॉइंट मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्लास कैनन में। इंक्रीज द अटैक ऑफ योर चैंपियन बाय 2.4% ऑफ देयर बेस अटैक बट रिड्यूस देयर हेल्थ 2.4%। 2.4% हेल्थ घट जाएगी बट अटैक तुम्हारा 2.4% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डेस्पियर में मेरे को एक पॉइंट डालना है। अब अगली चीज़ अनलॉक करने के लिए हमें मास्टरी पॉइंट चाहिए, जो कि है डीप वाउंड्स। इसके लिए हमें चाहिए मास्टरी कोर्स, जो कि मुझे अनलॉक करने होंगे दो कार्बो। एक मेरे को कार्बोडियम खरीदना है, दूसरा मास्टरी कोर स्टोन मास्टरी, दो खरीदने हैं। तो जल्दी से इसे दो खरीद लेते हैं। एंड कार्बोडियम इसे हम एक ही खरीदना है, तो एक ये खरीद लेते हैं। 694 ही बचे हैं अब मेरे पास। ओके, जल्दी से अनलॉक कर लेते हैं इसे। एंड इसमें भी मैं दो या तीन पॉइंट्स तो डालने वाला हूँ। हमने ये अनलॉक कर लिया है, अगला कैसे अनलॉक होता है भाई। अगला भी अच्छा था वैसे। डी पॉइंट में एक पॉइंट डाल देते हैं। अभी मेरे पास टोटल 6 पॉइंट्स और हैं। अब क्या अनलॉक करना है इसको। अनलॉक करने के लिए एक और कार्बोडिनियम चाहिए और दो मास्टरी कोर चाहिए, जो कि मैं नहीं खरीद सकता। इसे क्या करना है, इसके लिए भी ये चीज़ चाहिए। चलो डी पॉइंट में मैंने डी वाउंड्स में मैंने एक पॉइंट तो डाला है। ब्लीड डिबफ योर चैंपियन इन्फ्लिक्ट लास्ट 0.5 सेकेंड लॉन्गर। ओके ठीक है, एक पॉइंट हमें डालना है एक्सटेंडेड फ्यूरी में। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया। एंड अब टोटल्स कितने पॉइंट बचे हैं हमारे पास, बचे हैं 5 पॉइंट, जो कि हम शफल करके कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक और पॉइंट डाल देता हूँ ग्लास कैनन में, यार मैंने सोचा था अनफेज्ड को भी अनलॉक करूँगा एंड मैं असेसिन को भी अनलॉक करना चाहता था, बट इसके लिए क्या चाहिए। चलो कोई नहीं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब हम इसे भी अनलॉक करेंगे। अभी मेरे पास 5 पॉइंट है मास्टरी के, तो 2 पॉइंट जो है वो मैं इसमें, इसको मैं ग्लास कैनन को भी मैक्स कर देता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ करता है, अटैक डैमेज हमारा बढ़ा देता है। मैक्स पे होने के बाद में हमारा जो डैमेज है वो 7.2% बढ़ गया है, बट हमारी हेल्थ 7.2% हर चैंपियन की कम हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास बचे हैं 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स अगर मैं डेस्पेयर में एक और पॉइंट डाल देता हूँ, जो कि रिड्यूस कर देगा रिजनरेशन 5% एनिमी की। तो एक पॉइंट इसमें डाल देते हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से 10% डीबो अप्लाई टू एनिमी रिड्यूस देयर हीलिंग एंड रिजनरेशन इफेक्ट बाय 10%। 10% के लिए कम हो चुका है
यहाँ पे एनिमी की रीजनरेशन। अब बचा है मेरे पास एक पॉइंट, एक पॉइंट कहाँ डालना है वो भी देखना पड़ेगा। मेरे पास दो पॉइंट बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ डिफेंस में जाके हम रिकवरी में एक और पॉइंट डाल देते हैं, इसको मैक्स आउट कर लेते हैं, क्योंकि विल पावर की मदद से ये बहुत ही कारगर साबित होगा। 15% हमारी रीजनरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो एक पॉइंट इसमें डाल देते हैं। अब बचा है एक और पॉइंट, वो मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि वो मैं किस में डालूँ एक पॉइंट, क्योंकि अब मैं कोएगुलेट में भी नहीं डाल सकता, कॉर्बोडियम इसके लिए भी चाहिए। मैं सोचा था अनफेज या ये डीप पाउंड अगर खुलता तो इसमें एक और पॉइंट डाल देता, बट हम इनके लिए भी हमें कॉर्बोडियम एंड मास्टरी स्टोन चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। एंड डेस्पेयर में भी मैं एक और पॉइंट नहीं डाल सकता हूँ, दो पॉइंट इसमें मैंने डाले हुए हैं एक्चुअली में ऑलरेडी। अगर हम इसमें इंक्रीज द अटैक ऑफ योर चैंपियन बाय 1.6% ऑफ देयर बेस अटैक, हम इसमें एक पॉइंट डाल देते हैं, क्योंकि हमारा अटैक बढ़ जाएगा हर एक चैंपियन का 1.6% हो जाएगा। अब 2% हो चुका है जो हमने दो पॉइंट डाले हैं, 2% अटैक सबका बढ़ चुका है। तो ये मेरा मार्शी सेटअप है नया वाला जो कि मैंने कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने जो अनलॉक किया है वो है डीप पाउंड्स, एंड डेस्पेयर में एक और पॉइंट डाला है हमने यहाँ पे, एंड डिफेंस में रिकवरी में हमने एक और पॉइंट डाला है। तो ये देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो या वीडियो को स्लो कर लो, आराम से देख लो मैंने क्या क्या मार्शी रखी है। अब आती है दूसरी चीज़, हमें क्या करना है, हमें लेवल अप इवेंट आ चुका है, मैं आरओएल करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। आरओएल के लिए मुझे ऑडिन चाहिए, ऑडिन को मैं रैंकअप करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑडिन से ही खेलने वाला हूँ आरओएल अपना। चलते हैं अपने चैंपियंस में, हम देख सकते हैं किसको अगर रैंकअप, हाँ मेरे को ब्लैक वीडियो को रैंक 3 पे करना है, बाकी सब चीज़ें हैं मेरे पास, बस T5 बेसिक नहीं है मेरे पास। कुछ क्रिस्टल्स हैं जिसमें T5 निकलेगा, अगर मिस्टिक के निकल जाते हैं तो बढ़िया है। लेट्स सी, देखते हैं हम मिस्टिक के कितने सारे निकाल सकते हैं। मेरे पास है यार बहुत ज़्यादा, 21 क्रिस्टल्स है शायद से। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पर है भाई, यहीं होने चाहिए थे। ये रहे 2% टायर 5 क्लास कैटलिस्ट, 21 है, तो ओपन करते हैं इन्हें, देखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या निकल सकता है हमारे लिए। मिस्टिक का एक भी नहीं निकला है, जो कि किस्मत ख़राब है। एंड मिस्टिक के 900 निकले हैं यहाँ से, जो कि किस्मत ही ख़राब है भाई। 900, इनको पता है भाई क्या चाहिए इस बंदे को और क्या इसको अपग्रेड करना है। 900 निकले हैं मेरे पास यहाँ पे T5 मिस्टिक के, आ चुका है, तो जल्दी से चलते हैं। मेरे को करना है ऑडिन को रैंकअप, क्योंकि ऑडिन से मैं आरओएल करने वाला हूँ, एंड बाकी सब मेरे पास है ऑलरेडी। तो चलो, ऑडिन का डैमेज काफ़ी अच्छा है, स्पेशल 3, स्पेशल 1 एंड स्पेशल 2 रिपीट, स्पेशल 2 रिपीटली मारो, देन उसके बाद में भाई तबाही मचा देगा ये। चलो इसे अपग्रेड करते हैं, रैंक 4 पे डालते हैं, रैंक 3 पे ऑलरेडी रखा हुआ है इसको मैंने, तो चलो डालते हैं इसे रैंक 4 पे। ओके बढ़िया, एंड कॉस्मिक के है ना मेरे पास 48 भाई, सीधे 48 पे ठोक दिया हमने इसे। बस अब कितने 6-7 लेवल चाहिए हमें टोटल, तो चलो जल्दी से यहाँ पे क्लेम करते हैं। 2 दिन रह गए हैं सिर्फ क्या? ओके क्लेम कर ले भाई, 2 दिन 5 घंटे हैं हमारे पास। 52 लेवल पे हमने कर दिया है ऑडिन को, जल्दी से चलते हैं। एंड एनिमेशन काफ़ी अच्छा कूल हो गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनिमेशन कर लिया है इन्होंने, जो अपडेट के बाद आया था, 10-15 MB का अपडेट आया था जो। एंड यहाँ पे हमने ऑडिन को रैंक 4 मैक्स आउट कर दिया है, तो जो कि काफ़ी इंसेन होगा अब इसका डैमेज। एंड मैं इसको कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करना चाहता, मेरे पास T1 अल्फा नहीं है, तो हम चलते हैं अब। मुझे लगता नहीं है मेरा लेवल अप इवेंट कंप्लीट हुआ होगा, बट मैं क्रॉसबोन को यहाँ पे अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो क्रॉसबोन को हम अपग्रेड करते हैं जल्दी से। वैसे मेरे पास एल्सा ब्लडस्टोन है अवेकन, तो मैं एल्सा ब्लडस्टोन को ही अवेकन करता, लेवल अप कर देता हूँ लेवल अप इवेंट कंप्लीट करने के लिए। तो चलो लेवल 5 पे हमने इसे डाल दिया है, क्योंकि अवेकन है तो ज़्यादा अच्छी एबिलिटी हो गई है इसकी, डैमेज इनसेन होगा इसका, तो इसे ही लेवल अप करते हैं। 3 दिन का टाइम हो चुका है हमारे पास, 3 दिन में मुझे लगता है लेवल अप इवेंट नहीं आएगा। इस बार लेवल अप इवेंट काफ़ी लेट आ रहे हैं भाई, मेरे लिए तो काफ़ी लेट आ रहे हैं, मतलब वैसे रिपीटेडली आते थे, दो दो दिन के बाद आ जाते थे, बट इस बार काफ़ी लेट आ रहे हैं यार, 4-4 दिन लग रहे हैं इनको आने में। ओके लेवल 8 कर चुके हैं हम इसे। एंड कोई मिस्टिक का है मेरे पास क्या? साइंस का है मेरे पास मिस्टर फैंटास्टिक, इसमें थोड़े पॉइंट्स डाल देता हूँ ताकि इन्वेंट्री खाली हो थोड़ी बहुत। एंड हमें म्यूटेंट है एंड कॉस्मिक है, कॉस्मिक के लिए हमारे पास है वेनम पूल,
वेनम पूल में भी थोड़े पॉइंट डालते हैं ताकि इन्वेंट्री खाली हो जाए। म्यूटेंट है तो नैमोर है हमारे पास, मिस्टिक में अभी नहीं चाहिए। नैमोर में हम डाल देते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, लेवल 2 पे कर दिया है नैमोर को मैंने। एंड अब मिस्टिक के बचे हैं, मिस्टिक के मैं तभी यूज़ करने वाला हूँ जब ब्लैक विडो रैंक 3 पे हो जाएगी। एंड आई थिंक लेवल अप इवेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा का पूरा, सारे माइलस्टोन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। चलो अब साइड क्वेस्ट पे चलते हैं, साइड क्वेस्ट को हमें पूरा एक्सप्लोर करना है। सिर्फ एक पाथ रह गया है, वो अभी तक मैंने नहीं किया है। साइड क्वेस्ट के लास्ट वाले पाथ पे हम आ चुके हैं, वेनम से फाइट है। पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द डिफेंडर टेक 20% रिड्यूस डैमेज फ्रॉम ऑल सोर्स एक्सेप्ट स्पेशल अटैक, हैवी अटैक एंड अनब्लॉकेबल अटैक। इसका मतलब बेसिक अटैक में से 80% ही डैमेज मिलेगा, बाकी हम स्पेशल अटैक पे डैमेज दे सकते हैं। तो पहले चाहिए ब्लैक विडो, क्लॉसस, मुझे चाहिए कैप्टन अमेरिका, मेरे को चाहिए यहाँ पे म्यूटेंट के लिए हाइपेरियन चल जाएगा यहाँ पे, एंड विजन के लिए भी हाइपेरियन ले जाएंगे। एंड देन उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, टिग्रा आती है, टाइग्रा आती है, जिस पे काफ़ी सारे नोड्स लगे हैं, जो कि यहाँ पे हाँ फूट लॉस जो ये है, जब भी स्पेशल अटैक यूज़ करेगी 7 सेकंड के लिए अनस्टॉपेबल हो जाएगी, ठीक है, और इवेड भी करेगी। जल्दी से अपनी टीम को चेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए कैप्टन अमेरिका, जो कि मैं निक फ्यूरी की जगह पर रखने वाला हूँ। मेरे को चाहिए क्लॉसस, जो कि आई थिंक मैं वॉरलॉक की जगह पर रखने वाला हूँ। एंड अब स्टार्ट करते हैं गेम को। तो चलो हमारी वेनम से है, स्पेशल 2 खतरनाक होता है वेनम का, कोशिश करेंगे स्पेशल 2 पे ना जाए। एंड अपने स्ट्राइकर तो लगा हुआ है, क्लॉसस आएगा, 1,20,000 की हेल्थ है, तो चलो ओके हेल फायर पे चलते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दे सकेंगे हम। बढ़िया, स्पेशल यूज कर भाई जल्दी, इतना टाइम नहीं है। क्लॉसस को इस्तेमाल करते हैं एंड अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डैमेज तो मिल गया, काफ़ी अच्छी तरह से हमने इवेड भी कर लिया। एंड आई थिंक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फाइट कंप्लीट होने के बाद में हम वॉल्यूम को चेंज कर देंगे। चलो वॉल्यूम कम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। एंड ये फाइट, पहली फाइट काफ़ी अच्छी हुई हमारी थॉर के साथ है, काफ़ी प्रीटी इजी होनी चाहिए फाइट। तो चलो 1,20,000 हेल्थ इसकी भी है, क्लॉसस से मारते हैं ऐसे भी। पैरी हैवी करना है वैसे हमें, बस ध्यान रखना जब उसके चार्ज खत्म होंगे हमें स्पेशल का यूज तब करना है। भाई ये हैवी अच्छा था, 17,000 का हैवी, 11 चार्ज बचे हुए हैं, ओके ये भी अच्छा हैवी था। अगेन 9,000 हैवी, पता नहीं मेरे को थॉर को मारना काफी आसान लगता है यार। सॉरी गाइस, फोन आ गया था तो हम, मेरे को लगता है अब पड़ेगी मार। ओके डन, चलो 4% बचा है, ओके डन। चलो काफ़ी आसानी से हमने इसे भी मार दिया, 2 फाइटें बहुत ही आसानी से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट फाइट आई थिंक हमारी है मैंगोक के साथ में, इसका थोड़ा लोचा है यार, इसके जो चार्जेस बिल्डअप होते हैं देन ये अनब्लॉकेबल होता है, तो मेरे को वो समझ में नहीं आता भाई ये क्या करना है, इसको कैसे इसके चार्जेस होते हैं, बट एनीवे हमें कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो चलो कैप्टन अमेरिका को यूज़ करते हैं। कैप्टन अमेरिका मेरा 199 सिग्नेचर स्टोन पे है, मेरे पास सिग्नेचर स्टोन एक और नहीं है, वरना इसको मैं 200 कर देता, बट एनीवे हम खेलते हैं। 9,000 का हैवी पड़ा है, ओके 9,000 का एक और हैवी, ओ मैन बढ़ गई। स्पेशल यूज कर, ओ नो मैन,
काफी मार रहा है बे यार, ये स्पेशल टूल्स का खतरनाक है। भाई यूज कर स्पेशल, भाई क्या कर रहा है। ओहो हो भाई, भाई 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 क्या पड़ा ना, मर गया। चलो कोई ना, मर गया तो मर गया, हम ब्लैक विडो को यूज कर लेते हैं। ओके चलो हेल फायर पे चलते हैं। मुझे लगा था इंसर्नेट इम्यून होगा ये, बट नहीं है। अबे ये मार कैसे रहा है मेरे को यार। तो रीजन करना पड़ेगा यार, अब बहुत कम रीजनरेशन हो रही है यार। भाई ये क्या मार कैसे रहा है ये मेरे को। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा यहाँ पे यार। रुक तेरी तो साले। कर स्पेशल यूज। यार अनब्लॉकेबल हो गया भाई ये सीन अलग है इसका। शौक इम्यून है बंदा। अच्छा इसके 10 जब चार्ज हो जाते हैं देन ये हमको अनब्लॉकेबल हो जाता है। नहीं नहीं यूज कर, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सिर्फ एक चार्ज है इसके पास। ओके भाई ये थोड़ा अच्छा डिफेंडर है यार मैंगोग देखा जाए तो। अच्छा अब हमारी फाइट है ये मैग्नेटो के साथ है, तो चलो मैग्नेटो को मारते हैं। हाइपरियन का यूज करेंगे, मेटल नहीं लेके जाएंगे। 110,000 की हेल्थ है यहाँ पे। चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेट्स सी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। बस यही यही था, यही कमी रह गई थी। अब तो भी मार ले भाई, चल फ्यूरी तो देगा थोड़ी बहुत। स्पेशल टू फ्यूरी 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 दो फ्यूरी। तेरी तो अबे भाई एक फ्यूरी है मेरे पास। एक फ्यूरी पे क्या डैमेज मिलेगा भाई। फ्यूरी दे चार, तीन फ्यूरी है तो साला अनब्लॉकेड अनस्टॉप। ओबे भाई क्या डैमेज दे रहा है भाई ये। ब्लॉक डैमेज तो देखो इसको, 2% रह गया। मैं 32 ओके 11% अबे भाई 8% रह गया था यार, मार दिया था इसको भी लगभग। ओके लेट्स सी देखते हैं। ओके डन, ब्लैक विडो है कमाल की। बस इसे रैंक 3 पे लेके जाओ ना, देन उसके बाद में 6.2.6 पे भी पहुंच जाएंगे हम। 2-star का बॉक्स मिला है, लेट्स सी देखेंगे इसको खत्म होने के बाद क्या मिलेगा हमें। ओके हमारी फाइट है अब विजन के साथ में, एंड ये एब्जॉर्ब काफी जल्दी करता है ना। ओके इंटरनेट पे जाते हैं पहले। जब भी हैवी यूज करता है मेरे को लगता है भाई इसका वो हो जाता है, स्पेशल 3 रेडी हो जाता है। पर यूज है स्पेशल। बढ़िया स्पेशल 2 59
स्पेशल, थ्रो योर स्पेशल, वो स्पेशल थ्रो करना। अबे इसको स्पेशल कैसे बन गया भाई? एक और क्या बंदा यार ये। मेरे को रीचेन करना है यार। ओके नॉट बैड, काफी अच्छा रीजन कर लिया। ओ भाई जरा इसके पावर तो देखो, पावर गेन क्या हुआ इसका पता नहीं यार। स्पेशल यूज कर, जल्दी जल्दी स्पेशल यूज कर अपना। क्योंकि मैं गया, स्पेशल 3 यूज हुआ तो मैं गया। बहुत सही। ओके अरे भाई फिर से बन गया इसका स्पेशल। I don't know ये क्या हो रहा है, बट है खतरनाक बंदा भाई। यूज कर ले भाई, कितना बोलूं अब तेरे को। अरे बन गया इसका स्पेशल यार। चलो देखते हैं कितना। मैं तो गया खत्म, वो बच गया। अबे कहाँ बचा यार, मर गया मैं। ओके हल्क बूस्टर, पावर ड्रेन होना चाहिए। बन गया स्पेशल। अबे मैंने स्पेशल यूज किया भाई अपना। I don't know ये कैसे कैसे स्ट्राइकर करता है काम, पता नहीं। आगे रखना था यार, इसी के लिए तो रखा था ये। बट एनीवे हमें जब भी ये स्पेशल यूज करेगी ये अनस्टॉपेबल होगी, देन ये इवेड करेगी 7 सेकंड में। अब क्या करें यार। चलो तेरी तरह चली जाती। ओके 87% स्पेशल यूज कर, मारेगी पक्का मेरे को मारेगी। भाई यार ये बड़ा सीन है भाई, तो स्पेशल भी यूज नहीं हो रहा। ब्लॉक डैमेज भी काफी अच्छा फेंक रही है। अनस्टॉपेबल बनेगी नहीं। ओके स्ट्राइकर बढ़िया, एक और स्पेशल 2 बहुत बढ़िया 59%। एंड अब मैं अटैक नहीं कर सकता। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे रप्चर फेंक दिया भाई इसने तो। अबे शिट मैन, मैंने इसको स्पेशल 3 एक्टिवेट कर दिया। अरे नहीं 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 ब्रो, गया मैं खत्म। हल्क बस्टर है। ओके यहाँ पे स्पेशल यूज कर लिया इसने, चलाक औरत। अबे भाई पेल गई, थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ होती है भाई, देन उसके बाद में बचते नहीं हो तुम। चलो इससे ट्राई करते हैं, मर जानी चाहिए वैसे अब। चलो हट तेरी तो ऐसी की तैसी। थोड़ा सा टाइम में गड़बड़ हो गई एंड इसने हल्क बस्टर को लपेट लिया। बट एनीवे 2 रिवाइव यूज हुए हमारे यहाँ पे, तो 500 शार्ट्स मिल गए। ओ भाई ये सही था। एंड ये क्यों दे रहे हो भाई, ऑलरेडी मेरे पास इतने ज़्यादा है ये।
चलो ये कंप्लीट हुआ, एक्सप्लोर कर लिया हमने पहला साइड क्वेस्ट, लीजेंडरी लेवल पे कंप्लीट कर लिया एंड हमको लीजेंडरी लेवल खेलना है दूसरे साइड क्वेस्ट में। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड मार तो यार पड़ती रहती है। तो चलो मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, अब तक ले गुड बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।